ये प्राचीन ऐतिहासिक शिव मंदिर है, नागर शैली में बना हुआ। और आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ बहुत से श्रद्धालु जमा हुए हैं। और ये हमारे एंकर साहब, एंकर महोदय, आइए, आप ही देंगे जानकारी। आगे चलते हैं कि कौन सी शैली में इसको बनाया गया है और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर बढ़िया इसको समझाइए। यहाँ से इसके पिलर उलर अच्छी तरह से, ये तोड़ दी गई है मूर्तियाँ। पहले काफ़ी बढ़िया था ये, अभी भी, लेकिन इसकी जो मूलभूत संरचना है उसी उसमें कंडीशन में है। और ये इधर भी प्रशासन, इधर और यहाँ इधर ये नदी प्रवाहित हो रही है। बहुत से बच्चे इधर जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम यहाँ पे हमारे थोड़ा सा दूरी, मतलब 10 किलोमीटर की दूरी पे हरिपुरा नामक गांव है, जिसपे यहाँ पे महादेव जी का ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसको काफ़ी पुराना हो चुका है। ये अभी पुरातात्विक अभिलेखण में भी आ चुका है ये। तो आज यहाँ पे महाशिवरात्रि के पवन पर्व पर बहुत ही श्रद्धालु इकट्ठे हुए हैं और इस भीड़ के बचाव के लिए यहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी आए हुए हैं। तो आइए हम इस प्राचीन मंदिर के जो भी इर्द गिर्द जो भी है उसका हम एक बार आपको रूबरू कराते हैं। चलते हैं देखिए। तो ये हमारे यहाँ पे इधर 12 साइड से नदी निकल के आ रही है, जिसका नाम है बाणगंगा। तो इसी की वजह से ये स्थल थोड़ा सा, मतलब अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि ये इसका जो परिदृश्य है वो हमें इसकी तरफ मनमोहक करता है। आज के दिन यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तो इसमें नदी में स्नान करना ये सब कुछ होता है। बाकी नदी तो ज़्यादा बड़ी तो नहीं है ये, बट इससे क्या है, यहाँ का परिदृश्य अच्छा लगता है। लेकिन ये काफ़ी प्रदूषित हो रही है, क्योंकि जो इसके आगे गांव बसे हुए हैं इस साइड पे, वहाँ से काफ़ी इसमें कचरा वगैरह आता है। और ये देखिए बहुत सी यहाँ पे, मतलब गंदगी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। और ऐसे अभी तो मिशन चल रहा है स्वच्छ भारत शौच अभियान का, तो उस हिसाब से अपन को भी ध्यान देना चाहिए। और इधर और ये संदीप मीणा हमारे एंकर। और ये देखिए नीचे से, नदी के नीचे से ऊपर का नज़ारा, वो मंदिर वहाँ है। और इधर काफ़ी बच्चे नहा रहे हैं, नीचे नदी की साइड से आवाज़ आ रही है, पानी की आवाज़ आ रही है। क्या नज़ारा है, ब्यूटीफुल। अरे इधर देखते हैं ना नदी, यहाँ भी हम पहले आए थे एक बार, यहाँ का फ़ोटो लिया था, काफ़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ से बोला कल कल बहती नदियाँ, और जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये मंदिर के पास पास जो नदी के पास पास वाला एरिया है, उसमें मंदिर के बाजू में परकोटा बना हुआ है, जिससे जो बारिश के टाइम पे पानी आता है तो उससे थोड़ी सी देखने को मिल जाती है। और ये परकोटा भी प्राचीन ही है, क्योंकि ये काफ़ी विशाल पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं, पूरी इसको मतलब सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया जाता है कि ये मंदिर महाभारत के टाइम का बताया, ऐसा हमें बुजुर्गों से सुनने को मिलता है और देखने को भी मिलता है। और वाकई में ऐसा, हमने जब रूबरू इसको देखा तो ऐसा ही लगा कि ये मंदिर बहुत पुराना है। पुराने इतिहास में पढ़ते हैं कि ये मंदिर में पहले राजा महाराजाओं के टाइम पर आक्रमण हुआ करा था, तो उस टाइम पर इसको खंडित कर दिया गया था। आज भी वही तस्वीरें हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। जो एक बार जब देखा तो वाकई में प्रतीत हुआ कि ऐसा हुआ था पहले।
और बाकी यहाँ पे जो नागरशैली का बताया जाता है, इसे तो आप समझ सकते हो नागरशैली के हिसाब से कि मंदिर कितना प्राचीन है। अभी भी लेवा दी मेरे जहाँ से कहा थोड़ी सी। और ये सोन नगरी में हमारे मित्र ने देखो चश्मा यहाँ से भाई की परचेज किए खरीदिए यहाँ से, मतलब इतनी कॉस्टली पड़ी है हमारे लिए, 70 की मंगवाई थी। और ये अंकल जी भी देखो मेला देखने आ गए हैं संदीप के साथ, ये चश्मा नहीं ले रहे पर हमारे पास रखी है चश्मा। कॉस्टली नहीं पड़ी तो इसलिए हमने परचेज कर ली यहाँ पे, बहुत बढ़िया चश्मा थी भाई। ये सत्तर में देता दुकान, अस्सी की चीज यहाँ अस्सी अस्सी लियो मन की मन चश्मे की चीज। हाँ तो छल्ला ले छल्ला 50 रुपया में कोई चश्मा हो जाएगा ना वो ना, पर वही तो चल भाई दे दी बड़े जो प्लास्टिक के। मैं जितना शेयर करिए मार भाई साहब नंबर आ गया तो डेढ़ नंबर के साथ मिल गया फिर रबड़े थोड़ी आके डैमेज के। और ये आ गए यहाँ से नदी का, अरे अरे भाई भाई कपड़ों की दुकान भी है। अरे अरे वो कपड़ों की दुकान से याद आया, अपने घर पे मंजीरा मंगवाया था। अच्छा मंजीरा, हाँ अरे वो एक्चुअल की लैंग्वेज में उसे कसा अच्छा अपने जो अच्छा ये क्या चीज़ अच्छा ये फ्लावर गमले तो मंजीरा मंजीरा इनको रखने के लिए भाई लगती है चश्मा नहीं लगती तो मात्र चौथ पचार रहे वो तो अंकल है वहाँ और अंकल ले जाओ तो यहाँ पे तैयार होता है तो वाकई में चश्मा देख पाए फिर अपने हाँ जो वो टकरी है दीजिए पे 50 कम का ही ले हो गया एल्बम काया हो चुके बड़े संजय ले लेते मंजिल वो दुकान बात तो चाय तू चाय पिएगा।